नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। हरीश चौधरी ने बजट के दौरान, बजट भाषण की चर्चा के दौरान, एक ठाकुर की कविता, ठाकुर का कुआं की कविता सुनाई थी, जिस पर ज़बरदस्त तरीके से बवाल हो गया था। लगातार आप देखिए, करीबन इस बात को 8 से 10 दिन हो गए हैं, लगातार उस पर विधानसभा के अंदर बवाल का दौर जारी है। और आज इसी कविता को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बकायदा हरीश चौधरी का नाम लिया है और उन पर कुछ आरोप भी लगाया है। और उस आरोप के बाद में उसी कविता के अंदाज में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाब दिया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, दरअसल हरीश चौधरी का ये आरोप था कि जो राजस्थान के अंदर बजट आया है वो कहीं ना कहीं 80% से ज़्यादा जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, इन लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। ऊंची जाति, ठाकुर, उन लोगों के लिए ये पूरा का पूरा जो बजट है, 80% बजट है, उनके लिए मज 20% में बाकी। दरअसल हरीश चौधरी ने अपने भाषण के दौरान सीधे तौर पर कहा था कि बजट के अंदर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की क्या कुछ स्थिति है हम लोग ही महसूस कर सकते हैं। इसी बजट को पढ़ने के बाद में हरीश चौधरी ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता याद करते हुए कहा था कि बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल्की मूठ पर हथेली, अपनी फसल ठाकुर की, कुआ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या है, गांव, शहर या देश। अब इसी बात का आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, आज जो एक बजट को लेकर वापस चर्चा हो रही थी, फाइनली जो कमेंट्स होता है राजस्थान के मुख्यमंत्री करते हैं जिसके अंदर कुछ घोषणाएं हैं वो ऐड की जाती है, उसी का जवाब दे रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। करीबन 1.5-2 घंटे तमाम तरीके से राजस्थान के लिए घोषणाएं की और इसी दौरान इस बात का भी जवाब दिया और कहा बाकायदा कि किस तरीके से हरीश चौधरी ने, जो वाइतू से आने वाले माननीय विधायक हैं, उन्होंने जो कविता है वो पढ़कर सीधे तौर पर उनकी जो सरकार पर जो आरोप लगाया था वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद भजनलाल शर्मा ने कविता पढ़ी है। क्या कुछ भजनलाल शर्मा ने कहा सुनिए। विपक्ष की मानसिकता बायतू से आने वाले माननीय सदस्यों के द्वारा सुनाई गई, जाति राजनीति से ओतप्रोत कविता से भी स्पष्ट हो जाती है। माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य के अंत में प्रश्न किया था कि गांव किसका है, शहर किसका है, देश किसका है, अथवा महोदय मैं आपके माध्यम से इस मानसिकता के भी जवाब देना चाहता हूं। ये गांव, ये शहर, ये देश, ये गांव, ये शहर, ये देश मजदूर का, किसान का, वीर जवान का, नारी के सम्मान का, युवा के कल्याण का और सबके उत्थान का।